बटन आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा होगा। अब हो सकता है कि आपका ये जो बटन है वो किसी और नाम से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये सेटिंग के नाम से है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिनमें से जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है वायरलेस डिस्प्ले का। तो वायरलेस डिस्प्ले का जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग मॉडल की जो टीवी आती है, अलग अलग ब्रांड की जो टीवी आती है, उनमें जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। किसी में स्मार्ट व्यू के नाम से, मीरा कास्ट के नाम से, और हो सकता है स्क्रीन मिररिंग के नाम से भी हो। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले के नाम से है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से इसका जो वाईफाई है टीवी का यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ चुका है। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, दोस्तों आपको जाना है अपने स्मार्टफोन पर, और स्मार्टफोन पर जाने के बाद तो सिंपली आपको यहाँ पर जो ऊपर नोटिफिकेशन बार होते हैं इनको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह के नए फंक्शन आपके सामने आ जाएंगे, जिनमें से एक जो फंक्शन आपको दिखाई देगा स्मार्ट व्यू के नाम से दिखाई देगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो सैमसंग है, जितने भी मोबाइल्स हैं, सभी में आपको अगर स्क्रीन मिररिंग करनी है तो हर जगह आपको स्मार्ट व्यू का ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर स्मार्ट व्यू का ऑप्शन है, तो इसी पे हम लोग यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन के वगैरह में मांगेगा। तो यहाँ पर ओनली दिस टाइम कर देता हूँ मैं, और अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं की हुई तो इसलिए दोबारा से मांग रहा है। अब दोबारा से हम जाएंगे तो ये आराम से ऑन हो जाएगा। तो स्मार्ट व्यू को मैं क्लिक करूँगा। स्मार्ट व्यू को क्लिक करते ही देखिए स्मार्ट टीवी को इसने सर्च कर लिया है। हम आपको सिंपली क्या करना है, इसे यहाँ पर टच कर देना है। जैसे आप टच करेंगे तो स्टार्ट नाउ लिख के आएगा, तो स्टार्ट नाउ को यहाँ पर टच कर देना है। तो स्टार्ट नाउ को टच करते ही ये जो है प्रोसेसिंग में चला जाएगा, और जैसे ही तो दो चार सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद ये जो है पूरी तरीके से टीवी जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा, यानी आप जो भी कुछ करेंगे वो सारा का सारा बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो वीडियो जो है अगर आप देखना चाहें प्ले करके इसमें, तो आप बड़ी स्क्रीन का मज़ा ले सकते हैं। कोई मूवी वगैरह देखना चाहें या पबजी वगैरह खेलना चाहें तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर ईजिली होने वाली हैं।